प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूं मनीष भदौरिया। देश भर में आयकर विभाग की तरफ से 173 जगहों पर एक साथ छापेमारी की जा रही है। जानकारी के मुताबिक कानपुर के 3 जगहों पर छापेमारी हो रही है और लखनऊ में भी आयकर विभाग की तरफ से छापेमारी की जा रही है। आपको बता दें, लखनऊ में गोपाल राय के घर पर भी आईटी की छापेमारी की गई है। गोपाल राय राष्ट्रीय समाजवादी पार्टी क्रांतिकारी पार्टी के अध्यक्ष हैं और उनके हुसैनगंज के छतरवापुर लाल कुआं में आवास पर छापेमारी की गई है। जैसा कि आप लखनऊ को स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि लखनऊ से हमारे संवाददाता वहां मौजूद हैं, आयकर विभाग की छापेमारी चल रही है। इस खबर पर हमारे साथ हमारे लखनऊ से संवाददाता सागर थापा जुड़े हैं। सागर, क्या अपडेट है आपके पास इसको, गोपाल राय के राष्ट्रीय समाज क्रांतिकारी पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनके घर पर छापेमारी चल रही है। छापेमारी की जो प्रक्रिया है तकरीबन सुबह 7 बजे से चालू है और यहाँ पर इनकम टैक्स के 9 सदस्य की टीम यहाँ पर छापेमारी के दौरान कर रही है और साथ ही जब भी सदस्य पूरी तरह से बाहर किया गया है। इतनी बड़ी बात यह है कि सबसे बड़ी बात यह की राष्ट्रीय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल राय और इसके पहले भी दिल्ली से इनको मिला था। बात यह है कि हमारी की वारदात विभाग ने सागर छापेमारी की गई, छापेमारी चल रही है इस समय, तो मतलब किस जानकारी के आधार पर छापेमारी की गई है कि जो इनका ट्रांजेक्शन निकला है उस ट्रांजेक्शन को लेकर की गई है, क्या जानकारी आपके पास आ रही है? और दिल्ली से भी इनको कई जगह से मिले हैं कि किस तरह से राजनीतिक दल जो है चंदे के बहाने अपनी पाकिस्तान को बाहर और इसी यहाँ पे यहाँ पर राष्ट्रवादी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष है उनके गोपाल राय उनके यहाँ छापेमारी की गई है और इस वक्त मैं मौजूद हूँ यही कि उनके घर के आवास के बाहर। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर मीडिया का भी हुजूम लगा है और किस तरह से यहाँ पर पूरी तरह से ताला लगा दिया गया है और मीडिया और साथ ही साथ किस तरह से ये छतरवापुर का इलाका है यहाँ पर छापेमारी 7 बजे से हुई है और ये छापेमारी अब तक तब तक समाप्त होगी। ये देखने वाली बात है क्योंकि तमाम जो इनकम टैक्स की टीम है वो दस्तावेज फिलहाल नहीं है और दस्तावेज फंसने के बाद क्या कुछ सामने निकल कर आता है ये भी बहुत देखना दिलचस्प होगा। सागर, अभी छापेमारी अंदर चल रही है। जी मनीष, आपको बता दूं कि मौके पर छापेमारी की इनकम टैक्स की टीम है जिसमें 9 सदस्य मौजूद है। तकरीबन 7 बजे से ये इनकम टैक्स की टीम छापेमारी कर रही है। छापेमारी की जो अंजाम है उसको मुकाम तक पहुंचाने में लगी है क्योंकि देखिए बहुत बड़ी बात है, देश में कई जगह हो गया, लखनऊ हो गया, कानपुर हो गया, तमाम जगह इनकम टैक्स की टीम छापेमारी कर रही है और बड़ी घटना को एक बड़े खुलासे को अंजाम देने में लगी है क्योंकि बहुत बड़ी बात ये साबित होती है कि एक बहुत बड़े नेता हैं गोपाल राय और कई दिनों से राजनीतिक पार्टियों से जुड़े हैं और इनका भी मजबूत है और कई सालों से यहाँ पर लखनऊ में रह रहे हैं। तो देखना सबसे बड़ी दिलचस्प बात ये भी होती है कि छापेमारी में क्या कुछ इनकम टैक्स से हाथ लगता है और क्या कुछ खुलासा सामने निकल कर इनकम टैक्स लाती है। सागर, बड़ी बात है कि देश भर में आयकर विभाग की एक साथ 173 जगहों पर छापेमारी चल रही है जिसमें से कानपुर में भी 3 जगह पर और लखनऊ में भी इनकी गोपाल राय की यहाँ छापेमारी चल रही है इस समय, तो ये बड़ी खबर है। फिलहाल इस खबर पर जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दें कि गोपाल राय राष्ट्रीय समाजवादी क्रांतिकारी पार्टी के अध्यक्ष हैं और हुसैनगंज के छतरपुरवा लाल कुएं के आवास पर उनकी छापेमारी चल रही है इस समय। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश प्रदेश की खबरों के लिए जुड़े रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।